राज्य लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड की महिलाओं के 30% आरक्षण पर लगी रोक को लेकर पीसीएस की तैयारी कर रहे छात्रों ने हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। छात्रों का कहना है कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड की महिलाओं की विशेष भूमिका रही है, जिसमें सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में राज्य के महिला विद्यार्थियों की 30% आरक्षण की बात कही है। कोर्ट स्टे लगने के बावजूद सरकार उनके भविष्य को लेकर उन्हें आश्वासित करने के बाद कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं हल्द्वानी विधायक ने छात्राओं की बात सरकार के समक्ष रखने की बात कही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये ज्ञापन विधायक जी को इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड वुमेन रिजर्वेशन का जो मैटर है वो हमें पहले 2002 में जो राज्य निर्माण उसमें मिला था उसमें हमें 20% मिला था, लेकिन जिसे बाद में बढ़ाकर 2006 में 30% कर दिया गया था। और जैसे सरकार ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अध्यादेश लाने की भी कोशिश करेगी, तो इस पर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि वो रिवाइज कट ऑफ निकाले, और ये जितनी भी अगर रिवाइज कट ऑफ आती है तो जो ये 30% आरक्षण है इसको हटाकर आएगी, और ये रिवाइज कट ऑफ जल्दी लाने के लिए बोला गया है। कांग्रेस की सरकार के समय का ही है जिसमें स्थानीय जो हमारी मातृशक्ति है उसे आरक्षण देने का लोक सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक जीओ आया था। तो अभी जब पीसीएस का एग्जाम ये 5 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ है।